6 चैप्टर नंबर 3 लेखनम। लेखनम इज के लिखे हुए वर्ब्स। लेखनम में हमें आज ये सीखना है कि बहुत सारे वर्ड्स है वो लिखने में सिमिलर होते हैं, ओके। लेकिन पहले हम समझेंगे कि हमारे जो संस्कृत भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी और नागरी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो उसमें से सारी भाषाओं का उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है, इसीलिए संस्कृत भाषा को जननी कहते हैं और सारी भाषाओं की माता कहते हैं। तो आज हम जो वर्ड सीखने जा रहे हैं वो देवनागरी और नागरी लिपि में लिखे हुए हैं और उसी में से हम हिंदी जो लिखते हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा सिमिलर्स है, उसमें से थोड़ी या कुछ ही वर्ड ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। और गुजराती जो लेटर होते हैं, गुजराती भाषा का उद्भव भी संस्कृत भाषा में से हुआ है, लेकिन गुजराती के ऊपर हम शिरोरेखा करते नहीं है, यानी कि लाइन ड्रॉ करते नहीं है, और संस्कृत और हिंदी भाषा में हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर, उसको शिरोरेखा कहते हैं। पीछे दो कॉलम होती है उसको हम विसर्ग कहते हैं, यानी कंप्लीटली सुटेबल होती है, संस्कृत भाषा सब में एक्सेप्ट होता है। तो आज हम उनके बारे में सीखेंगे कि लिखने में हमें बहुत सारे शब्द एक जैसे हैं, उनका प्रोनाउंस है, उच्चारण है, उसमें निर्भर है, उसमें थोड़ा भिन्नता है, ओके। और फर्स्ट लेसन है लेखन में हमारा ग, दिस इज ग, ओके। सेम राइट करना है हमें, लेकिन यहां से हमें कर्व करना है, क्या करना है, कर्व, इसको मोड़ना है। तो दिस इज ग और दिस इज द, क्या कहते हैं इसको, द, अंडरस्टैंड। तो लिखने में दोनों ही यानी ऐसे ही करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक के नीचे जो लाइन की है उसमें लिखते जाओ। तो एक ग है और ये द है, द को यहां से हमें ऊपर से कर्व करना है, ओके, यानी कि मोड़ना है। तो वेरी इजी है, ग और द सेम, जैसे हम ग करते हैं ऐसे ही हमें ये करना है, लेकिन उसमें हमें स्टैंडिंग लाइन नहीं करना, उसको यहां से मोड़ देना है, क्या करना है, मोड़ देना है। तो ये बन गया छ, क्या है ये छ, सेम राइट यहां से लेकर यहां, लेकिन हम ग और द में स्टैंडिंग लाइन करते हैं, लेकिन ये छतरी का छ जो है उसमें हमें मोड़ना है, उसको अच्छी सी राउंड शेप दे देना है। तो बन गया छ, एकदम इसी है, ओके, सिमिलर स्वर से। फिर आएगा ल, तो ऐसे लिया और ऊपर बना ली लाइन, तो हो गया ल। फिर से कर दिया ए, इस तरह से लेकर हाथ छोड़ दिया, फिर यहां से लेकर यहां, तो ये बन गया ल, ओके, एकदम इजी है ल। अब हम करेंगे च, ओके, तो ऐसे बनाया इन और ये ऊपर लाइन ड्रॉ कर सीरो रेखा, तो बन गया च, है ना। फिर च के जैसे ही हमें इस तरह से बनाना है हाफ चंद्र, ओके, और उसको हमें यहां से मुड़कर स्टैंडिंग लाइन कर देनी है, ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, बन गया ज, ओके, क्या बना, ज बना। और आएगा न्य, क्या आएगा, न्य, तो ऐसे गणेश जी का ग करते हो, ऐसे हमें मोड़ना है, स्टैंडिंग लाइन करना है और बीच में कर्व स्लीपिंग लाइन, ओके, चंद्र बिंदु के जैसे हाफ मून, ऐसे न्य,
व्हाट इज कॉल्ड अ ञ, इसको ञ कहते हैं। इसमें बीच में से हमने हाफ कर्व कर दिया तो बन गया ञ। वेरी इजी है, संस्कृत हिंदी और गुजराती में ये लेटर मोस्टली एक जैसे आते हैं, हाँ, लेकिन हिंदी और संस्कृत में ऊपर हमें सिरो रेखा लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम करते हैं ञ, ओके। तो ऐसे किया स्लिपिंग लाइन की और ये बन गया न, यानी कि ञ हमारा, ओके। क्या बना ञ, फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और ये बन गया हमारा न, ओके। ये कर दी लाइन ड्रो, अंडरस्टैंड, ओके। फिर बनेंगे, बनाएंगे हम ट। क्या बनाएंगे ट, तो स्टैंडिंग लाइन स्मॉल, फिर इसको अच्छे से हम मोड़ लेंगे, हाफ सर्कल बना लेंगे, तो ए बन गया ट, है ना, वेरी इजी। और जैसे बनाते हैं ट वैसे सेम ए बन गया, मोड़ दिया पूरा सर्कल और उसके ऊपर हमने सिरो रेखा दी, अंडरस्टैंड। फिर से करते हैं, ए हुआ हाफ स्टैंडिंग लाइन और ए कर दिया हमने पूरा सर्कल, तो बन गया ठ, ओके। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा ड, तो हाफ स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको हाफ सर्कल में ले जाओ, फिर उसको इस तरह से मोड़ो, अंदर दूसरा सर्कल बनाना है, ए बन गया ड। क्या बना, फिर से करते हैं, देखो ऐसे थोड़ी मोड़ कर हाफ सर्कल करके दूसरा सर्कल बन गया ड, ओके। अब बनाएंगे द, ट, सेम राइट टू ट, ट बनाकर हमें ऊपर से लेकर ऐसे, है ना, सेम राइट ट बनाओ, ट बनाकर हम इस तरह से इसको मोड़ लेंगे और अंदर से सर्कल में से यार निकाल लेंगे आप सर्कल में से, तो बन गया बंदूक का द, ओके। अब बनाते हैं हम, देखो ये थोड़ा ऐसे लेकर इस तरह से लेकर स्टैंडिंग लाइन हो गया प। क्या बना प, फिर से प, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, प से पतंग, अंडरस्टैंड, सेम ऐसे ही प बना दो, फिर स्लिपिंग लाइन पर लाइन ड्रॉ और कर्व, यानी कि मल्टी लाइन में जो बनाते हैं चेस उसकी एक लाइन, यानी कि ये बन गया षटकोण का श, ओके। अब देखो स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे उल्टा हाफ सर्कल ले लो, है ना, फिर इसको एक डंडी लगा लो, बन गया F। क्या बना F, है ना। अब होगा श्री कृष्ण वासुदेव भगवान का टीका, लाइक यू, इंग्लिश में हम यू लिखते हैं, ऐसे यू बनाया, उसको एक डंडी लगा लो, तो ये हो गया अण, बाण का अण, ओके। फिर ऐसे हाफ सर्कल कर दो, ओके, उसको भी ये डंडी लगा लो, ये बन गया वो। क्या बना वो, ओके। फिर से ए हाफ सर्कल, एक डंडी लगा लो, षटकोण के समय बनाई थी ऐसी हम एक लाइन बना देंगे बीच में, तो हो गया हमारा ब। क्या बना ब, ओके। अब बनाते हैं हम क, तो ए हाफ सर्कल बराबर ऊपर से लेकर यहाँ तक, फिर खड़ी डंडी,
फिर शिरो रेखा बन गया हमारा क, क्या बना क, सी खड़ी लाइन, फिर यहां से निकालो, फिर ये पूरा सर्कल बनाओ, है ना। फिर क्या करोगे, इसको कुछ जाते में आप क लिखते हो, इस तरह से ग के जैसे बाहर निकाल दो, बन गया श, क्या बना श। फिर ये बन गया र, क्या बना हमारा र, है ना, एक जैसा। अब र बनाओ, पहले एरा बनाया, ओके, फिर इसमें स्लिपिंग लाइन बनाया, ओके, फिर खड़ी डंडी लगा लो, सिरो रेखा बना दो, बन गया स। फिर से सीख लो, एक र बना लो, हमने जो र बनाते हैं वो र बना, फिर स्लिपिंग लाइन, खड़ी डंडी और ऊपर सिरो रेखा, बन गया स। सी र बनाओ, ए र बनाया, ओके, इसके काम थोड़ा करो कर देंगे सब कर, इसको खड़ी डंडी लगा दो आठ मात्रा और ये सिरो रेखा बन गया श। सेम राइट, फिर से हमें ए र बनाना है, यहाँ से थोड़ा खींचना है, इसको पीछे खींचना है, फिर इसको हाफ सर्कल बनाना है और ये खड़ी डंडी लगा दीजिए, तो बन गया ख, क्या बना ख। और फिर ऐसे य, इस तरह से खड़ी डंडी, बन गया य, है ना। अब य के जैसे पहले यहां से हमें सर्कल बनाना है, फिर ए बन गया थ, क्या बना थ। अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो पहले य बना दो, ओके, सी मोड़ लो, बन गया थ। अब पहले ऐसे बना, फिर इसमें से निकालो और डंडी, बन गया म, क्या बनाया हमने म लिखा, तो म के जैसे इसे म बनाना है, लेकिन हमें क्या करना है, थ में ऊपर से जो हमने राउंड शेप दिया है वो देना है, ओके। लेकिन याद रखो, जब आप ऊपर सिरो रेखा ड्रॉ करते हो तो जो राउंड शेप है उसके ऊपर लाइन आएगी नहीं, सेम राइट यहाँ पे ब, म में पूरी आई है, लेकिन ब में जो राउंड शेप है ऊपर हमने जो मोड़ा है उसके ऊपर लाइन आएगी नहीं, हमने ध में भी ऐसा किया है, तो ये बना ब। अब हमने ट बनाया, तो ऐसे ही हम बनाएंगे ड, ऐसे ये बन गया ड, क्या बना ड। अब ये होगा अंग, संस्कृत में इसको, हिंदी में भी इसको अंग कहते हैं, जो शंकर अंकनी लिखने में इस वर्ष का हम ए वर्ण का प्रयोग करते हैं, ए वर्ण हम उसमें इसी तरह से लिखते हैं, तो सेम राइट, फिर से ड बनाओ, ओके, उसमें से हमने द के जैसे निकालना है, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड सिरो रेखा, बन गया ज, क्या बना ज। इस तरह से लिखेंगे हम ह, ये बना ह। अब लिखते हैं हम त, ओके, ये है तलवार का त, है ना, त के जैसे ही सेम, लेकिन हम इसको मोड़ेंगे आगे से, ये बना न, क्या बना न। अब गणेश जी का घर लिखेंगे तो ऐसे हाफ सर्कल थोड़ा मोड़ना है नीचे से, फिर डंडी लगा देंगे और ये बन गया ग, क्या बना ग। अब
देखो इस तरह से हम एक लाइन ऐसे टेढ़ी खींचेंगे, दूसरी लाइन हम ऐसे करेंगे और उसको स्पेलिंग लाइन कर देंगे, डंडी लगाएंगे तो बन गया त्र, त्र से त्रिशूल। ओके, ये हुए हमारे जो कंसोनेंट है, व्यंजन है वो हमने लिखना सीखा। अब लिखते हैं हम ऐसे करके, ये तो हमें आता है ओ। व्हाट इज दिस ओ, प्रोनाउंस इसका ओ। ये हुआ आ, क्या हुआ आ। अब ड लिखा आपने तो इस तरह से हम निकालेंगे तो ए बना ई, क्या छोटी। ओके, अब हम लेते हैं बड़ी, क्या बनाना है, बनाया हमने बड़ी ई। अब होगा उसे उल्लू, क्या बनाएंगे हम, उसे उल्लू छोटा। ओके, अब आया सेम राइट, छोटे के जैसा, लेकिन हम उसको यहाँ हाफ सर्कल बनाएंगे, बड़ा वो बना उसे ऊन। ओके, अब हम लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं ए। ओके, अब ऐसे सीम राइट, आई ऊपर आएगी मात्रा, ये बना आई। अब रुशी में देखो सेम राइट फुट ट्रॉ, लेकिन इस तरह से थोड़ा सर्कल के जैसा करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, इसको डंडी लगा देंगे, फिर उसको हम इस तरह से खींच कर ये करेंगे ऋषि का रूप। तो ये थे हमारे पूरे जो वर्ण है वो लेखनम, क्या कहते हैं इसको, क द छ ल च झ ञ ञ ट ठ ड ड प श, ऐसे लिखना है तो फ अण व ब क श र स, है ना, ये रोके जैसा ही शो बना, ऐसा भी ऐसे बना, और उसमें से ही हमने सीखे हमने ख, क्या सीखा ख। य थ, ये है म, सेम राइट म, लेकिन आगे से हमने मोड़ दिया है, तो बना ब ड अंग ज ह त न ग, त्रिशूल का त्र। बहुत इजी, अ आ छोटी बड़ी, उ बड़ा उ, ए अई रू, इसमें से एक भी वर्ड साथ नहीं है, लेकिन अब आपको हाफ वर्ड कैसे लिखते हैं, थ्री वर्ड से, तो एक को आधा करेंगे, आधा कर बहुत टाइम क्या करते बच्चे, पूरा कर देते, लेकिन पूरा कर करना नहीं है, इसको हम जोड़ेंगे ट ट। ओके, टिक, फिर ऐसे सेम राइट, लेकिन आधा क करेंगे, उसको व ज्वाइन करेंगे क्व, क्या बना क्व, फिर कुत्ता, तो आप इस तरह से दो त लिखते हैं ना, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे थोड़ी स्लीपिंग लाइन बाहर निकाल देनी है ऐसे, तो ये बन गया डबल त। ओके, इजी है एकदम अच्छा, तो अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे स्मार्ट क्लास में। ओके, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, फोर ऑप्शन है इसके। ओके, तो आपको जो पसंद है, मैं पसंद नहीं, इसमें जो सूटेबल होगा सही आंसर होगा वही आपको देना है। इन व्हिच स्क्रिप्ट इज द संस्कृत लैंग्वेज रिटन, कौन सी स्क्रिप्ट में हम कौन सी लिपि में संस्कृत भाषा को लिखते हैं। ओके, तो मैंने पहले ही आपको संस्कृत भाषा में किससे उद्भव हुई है सब समझाया, तो नागरी, नागरी और देवनागरी, हिंदी या इंडियन, तो
नागरी और देवनागरी जो बी ऑप्शन है वही राइट है. फ्रॉम व्हिच स्क्रिप्ट हैज द गुजराती स्क्रिप्ट बीन डिराइव्ड, यानी कि गुजराती लैंग्वेज का किसमें से उद्भव हुआ है, किसमें से बनी है, तो देवनागरी. वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. व्हाट इज सीन इन द कर्व ऑफ सम संस्कृत लेटर्स, क्या आप देखते हो कि संस्कृत लेटर में आपको जो टेढ़े कर्व लेटर देखने को मिलते हैं कितना डिफर होता है, तो सारे डिफरेंट. ओके, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज संस्कृत फॉर कंप्यूटर यूजिंग अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट. तो क्या संस्कृत भाषा कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स में तो हम लिख सकते हैं कैसी है, तो कंप्लीटली सूटेबल. व्हाट इज द कॉलन, यानी कि दो डॉट आप पीछे लिखे हो उच्चार करते हो, दैट इज रिटन आफ्टर म एंड व इन वर्ड्स राम ह एंड देव ह नॉन अस, तो क्या कहते हैं उसको, विसर्ग. इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं. वी सेटन इज लिटल डिफरेंट फ्रॉम ग, क्या है ग, कौन सा लेटर ऐसा है जो साइलेंट डिफरेंट है, तो है वो द. मैंने हमने पहले भी हमने सीखा कि ग और द, लेकिन द को थोड़ा आगे से मोड़ना है. वी सेटन इज लिटल डिफरेंट फ्रॉम व, कौन सा लेटर ऐसा है जिसमें से थोड़ा डिफरेंट निकलता है, बाकी सेम टू लिखते हैं, तो वो है ब. कौन सा है ब, वही बनाना है लेकिन अंदर कर्व लाइन बनानी है. वी सेटर इज लिटल डिफरेंट फ्रॉम ह, कौन सा लेटर है वो ह से डिफरेंट, तो है क. कौन सा है क. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है. द डैश इज नॉट ड्रॉन ऑन द टॉप ऑफ गुजराती लेटर, हम गुजराती लेटर के ऊपर क्या नहीं ड्रॉ करते, लाइन सीधो रेखा. ओके, देर आर डेज वॉवल एंड डेज कंसोनेंट इन संस्कृत, हाउ मेनी वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स, तो देर आर 30 वॉवल्स एंड 33 कंसोनेंट. ओके, वॉवल एंड कंसोनेंट्स टुगेदर आर नोन एज, क्या होता है, सॉरी, तो वॉवल एंड कंसोनेंट को मिलाकर वर्ड्स बनता है, क्या होता है, वर्ड्स. यूजुअली ईच कंसोनेंट ऑफ संस्कृत इज प्रोनाउंसड क्लियरली आफ्टर एडिंग द वॉवल. हम यूजुअली जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसके नीचे जो साउंड निकलता है वर्ड्स, तो वो कौन सा निकलता है, ओ. कौन सा निकलता है, ओ. द कंसोनेंट विदाउट वॉवल इज रिटन एज, क्योंकि वॉवल की जरूरत नहीं रहती, अकेला वो कंसोनेंट ना एडिटिंग करके वो लिख सकते, तो वो है न्य. क्या है वो, न्य. द कॉलन एंड जो दो वर्ड्स होते हैं ह बोलते हो, रिटन आफ्टर क एंड ज इन द वर्ड शुकः एंड गजः इज नोन एज द विसर्ग. ओके, उसको विसर्ग कहते हैं. आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट. राइट द क्वेश्चन आंसर. आप देखो यहाँ पे इन व्हिच स्क्रिप्ट इज संस्कृत रिटन, संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो नागरी और देवनागरी में. फ्रॉम व्हिच स्क्रिप्ट हैज द गुजराती स्क्रिप्ट बीन डिराइव्ड, गुजराती जो लैंग्वेज है वो कौन सी लिपि में से लिया गया है, तो देवनागरी. कौन सी, देवनागरी. बोरिंग द सीरो रेखा द लेटर ऑफ व्हिच लैंग्वेज आर रिटन जस्ट लाइक द देवनागरी स्क्रिप्ट, तो हम जो ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे कौन सी लैंग्वेज में हम ऊपर यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने आंसर दिया हिंदी और मराठी. ओके, हाउ मेनी वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स आर देयर इन संस्कृत, तो 30 वॉवल्स एंड 33 कंसोनेंट्स. बाय लर्निंग व्हाट कैन आवर मदर टंग गुजराती एंड नेशनल लैंग्वेज हिंदी,